हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और गाइज, आज हम लोग जो दोबारा से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, तो आज जो है हम करने वाले हैं माइनिंग आयरन की या फिर डायमंड की, जो भी हो। और आज की वीडियो में जो है हम ट्राई करेंगे कि हम जो है एन्चेंटिंग भी कर सकते हैं। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मैंने एक अच्छी सी एरिया ढूंढ लिया हो, जहाँ जो मेरे घर के ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो अभी जो है गाइस, हम जो है यहाँ पे हमारा माइन करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमको क्या मिलेगा। सबसे पहले हमको कोल चाहिए ताकि हम जो है टॉर्चेस बना सके। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमको जो यहाँ पे बहुत सारा कोल मिल चुका है, इससे हम जो जल्दी से हमारे टॉर्चेस बना लेते हैं वरना मॉन्स्टर जो स्पॉन हो जाएगा यहाँ पे। पता चले कि जल्दी होएगा नहीं, लेकिन हाँ हम जो है जल्दी से टॉर्चेस बना लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं हमारा माइनिंग। ओ माय गॉड गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे डायमंड मिल चुके हैं इतना ग्राइंड करने के बाद, लेकिन आयरन नहीं मिला अभी तक। सबसे बड़ी बात, डायमंड मिल गया पहले। और जो अभी आप बोलेंगे कि आयरन ये किधर से है, तो प्रीवियस एपिसोड्स में आपको दिखा रहेगा कि विलेज जिसमें हम आए थे वहाँ पे जो है ब्लैक स्मिथ बहुत थे, तो वहाँ से हमको आयरन मिल चुका था। और यहाँ बाप रे, सारे डायमंड मुझे लगा था कि एक ही है, यहाँ पर तो पूरा खजाना है डायमंड्स का गाइस, खजाना। अभी यहाँ से हम जो सारा डायमंड्स कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी एक डायमंड है, यहाँ पे भी एक डायमंड है। पुराने वाले वर्जन की याद आ गई, उधर भी इतने अमाउंट में डायमंड मिलते थे हर बार। यहाँ पे लजूसी भी है, ये मैं बाद में कलेक्ट कर लूँगा। अभी के लिए हम हमारा कंटिन्यू करते हैं माइनिंग। फिर 11 डायमंड्स हो चुके हैं गाइस, और अभी जो है हम हमारे टॉर्चर्स ले लेते हैं। टॉर्चर्स को हम यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं और अभी हम जो है कंटिन्यू करते हैं हमारा माइनिंग। और मुझे आयरन, ओ माय गॉड, आयरन भी मिल चुका है। ठीक है, सिल्वर फिश कहाँ से आ गया, कोई नहीं, चलो हम जो हमारा क्या है, हम तो आयरन उठाने आए, सिल्वर फिश आए आए जाए, हमारा क्या चाहता है। तो सबसे पहले हम जो यहाँ से ले लेते हैं आयरन, और हम जब भी चलेंगे फिर ऊपर वापस घर पे। तो गाइस, मैंने जो है दो विलेजर्स को भी जो है सेफ करके कवर करके रख लिया था, ताकि फ्यूचर में टाउन हॉल के लिए भी जो है विलेजर्स रहे हमारे पास दो कम से कम। और अभी हम जो है डायमंड की सॉर्ड पिकैक्स बना चुके हैं, और अभी हम चलते हैं एन्चेंटमेंट, वो भी हमने बना चुके फास्ट फॉरवर्ड में, आपने देख लिए रह गए। और अभी हमें जो है ऊपर हम जो है सारा डिस्प्ले करते हैं और हमारी बुक्स को एन्चेंट करते हैं। थोड़े बहुत हमको जो है पेपर्स वगैरह शुगर के इनका मैं छोटा सा फार्म वगैरह बना लेता हूँ ऑफ कैमरा। तो गाइस, मैंने जो है ऑफ कैमरा जल्दी से सब शुगर केन वगैरह सब कलेक्ट करके बुक्स वगैरह बना चुका हूँ, छोटा सा फार्म भी बनाया हूँ कॉर्नर में। और मैंने जो है यहाँ से तीन बुक्स को भी जो है गाइस एन्चेंट कर लिया, उसमें एफिशिएंसी 1 लगा लेते हैं, ताकि दोनों एफिशिएंसी को मिला के एफिशिएंसी 2 बना सकते हैं। और इसमें क्या ले, शार्पनेस 1 ले लेते हैं, इसमें बाद में शार्पनेस 2 1 एक और आएगी तो हम 2 बना लेंगे उसका। और अभी हम जो इनको जो स्टोर कर दे रहे, क्योंकि अभी एनविल नहीं है हमारे पास सारा काम करने के लिए। और अभी हम जो गाइस वापस चलते हैं हमारे एन्चेंटिंग टेबल में, देखते हैं कि क्या हमारे सॉर्ड वगैरह पे कुछ अच्छा लग सकता है क्या। तो शार्पनेस 2 लग सकता है, मैं लगा लूँ क्या, देखना पड़ेगा, लगा लेता हूँ। तो ठीक है गाइस, पावरफुल तो हो चुकी है हमारी, थोड़ी सी हो चुकी है सॉर्ड, देखता हूँ क्या किसी पर कुछ अच्छा आ रहा है यहाँ पे। नहीं, किसी भी गाइस कुछ अच्छा नहीं आ रहा, मुझे करना नहीं है फालतू में एन्चेंटमेंट। और यहाँ पे जो मैंने ये थोड़ा मॉडिफाई कर लिया था ताकि ऊपर ही मैं एन्चेंटिंग का सब एडजस्ट कर सकूँ, बाद में शायद हमको फ्यूचर में एक्सटेंड करना पड़ सकता है हमारे हाउस को।
तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी रही, पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।